नमो ओरियंताणम नमो सिद्धाणम नमो आयनियाणम नमो जैनम नमो लोये सबदाणम सुमिनम कारो सब भाव प्रणासन मंगलान चतुर्मुण मंगलम अज्ञानतिमिरांधानम यानाम जन श्राका नेत्र मुन्मीलितम येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। यात्रा चाहे जीवन की हो, अध्यात्म की हो, बाजार की हो, शिक्षा की हो, संबंध की यात्रा हो, हर यात्रा में आदमी कहीं ना कहीं अंदर अपने आप को कमजोर महसूस करता है। कमजोरी के हिसाब से उनके मन में एक भय रहता है, न जाने आगे क्या होगा, सफल बनूंगा निष्फल बनूंगा, जीत जाऊंगा हार जाऊंगा, लाभ होगा नुकसान होगा, पराजित होगा विजेता होगा, इसी डर के हिसाब से वो कदम रखते रखते बाहर से कितना भी चेहरा मुस्कान भरा रखे, अंदर एक डर तो होता ही। मगर कभी कभी शक्ति आ जाती है तब उसके मन में एक नशा भी आ जाता है कि अकेला रहकर के भी मैं आगे की यात्रा मजे से कर सकता हूँ। ऐसा ही एक लड़का जब भी अपने पिताजी के साथ बाय ट्रेन बॉम्बे से अहमदाबाद जाता था, वो निर्भय था। चाहे भीड़ कितनी भी हो, मगर डिब्बे में पिताजी तो है मेरे साथ, मेरी बाजू में। मगर न मालूम एक दिन इनके मित्रों ने उनके कान में ये बात रखी, यार कब तक पिताजी को डिपेंड रहेगा, हर टाइम पिताजी बोलते मैं तेरे साथ आता हूं, आज बोल दे पिताजी मैं अकेला जाऊंगा, नाउ आई एम गोइंग टू बी मैच्योर। और पिताजी ने उसने बोल दिया आपकी जरूरत नहीं मेरे साथ आने की। बेटा 6 घंटे की यात्रा, 11 साल 10 साल की तेरी उम्र, और तू अकेला जाएगा? अकेला जाऊंगा, क्या है मेरे में भी होश है जोश है। पिताजी ने बहुत समझाया, बस आपको मैंने बोल दिया या तो मैं नहीं जाता हूँ या तो जाता हूँ तो आप मेरे साथ नहीं। ठीक है, रिजर्वेशन था, खिड़की की जगह पे उनकी जगह थी, गाड़ी स्टार्ट होने की तैयारी थी, बेटे के चेहरे पे मगरूरी थी, मरगान दी गई थी, और पिताजी को बाइक करने के लिए हाथ जब उठाया तब पिताजी ने उसके हाथ में एक कवर थाम दिया। क्या है इसमें, ऐसे तो कुछ नहीं है, अहमदाबाद जाकर के नहीं खुलेगा तो भी चलेगा, मगर कहीं यात्रा में बीच में कहीं तुझे थोड़ा भी टेंशन लगे, ये कवर खोल देना, सब जवाब इसमें मिल जाएगा। लड़का हैरान, बॉम्बे सेंट्रल से ट्रेन उठी, बोरीवली क्रॉस किया, पालघर क्रॉस किया, बलसाड क्रॉस किया, सूरत आते आते पसीना हो, अपने आगे पीछे आगे देखने वाले को देखने के बाद लगा सब मुझे डरा रहे। आज तक तो पिताजी बाजू में थे, मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मेरे सामने कोई मुड़ी कर सकता है। आई एम एलोन, 10 साल की मेरी उम्र, और यदि किसी ने मेरा किडनैप कर भी दिया मैं कर क्या पाऊंगा। सूरज छूटा, बड़ोदरा आया तब उसको लगा कि मैं तो खत्म हो जाऊंगा, मगर उसी टाइम उसके मन में ख्याल आ गया कि गाड़ी स्टार्ट होने के पहले पिताजी ने मुझे कवर थाम दिया था, कुछ भी दिक्कत आ जाए ये कवर में सब जवाब है। और उसने कवर खोला, जैसे ही कवर खोला उसके चेहरे पे मुस्कान आ गई। क्या हो गया था, वही भीड़ थी, वही डिब्बा थी, वही लोग थे, वही लड़का कहना था, मगर कवर में पिताजी ने एक कोटेशन लिखा था, डरना मत मैं तेरी पीछे की सीट पे ही बैठा हूं। और लड़का को लगा कमाल हो गया, अकेला था मगर अकेला हूं नहीं, मेरे पास
मेरे साथ, मेरे पीछे मेरे पिताजी। मैं यही कहना चाहता हूं, चाहे 54 साल का मेरा दीक्षा प्रिय है, मैं थोड़ा ज्यादा भी स्वस्थ हूं मेरे हिसाब से नहीं। आर्य नबी प्रभु बड़े थके, प्रभु का बल तो मेरे पास है तो प्रश्न हारने का ही नहीं। कृष्ण भी तो थक गए थे नहीं, अर्जुन को समझाते समझाते। महाभारत का युद्ध का पहला दिन और अर्जुन कांप गया था, ये नहीं मैं जीत पाऊंगा। और तब कृष्ण ने सिर्फ इतना ही कहा, अर्जुन मैं तेरे साथ हूं, बस इतना ही काम। अर्जुन ने पूरे महाभारत के युद्ध में कृष्ण का सपोर्ट लिया, शस्त्र नहीं उठाया, शस्त्र कृष्ण ने एक भी नहीं उठाया था। अरे उठाने की बात छोड़ो, उसने कंडीशन रखी थी, अर्जुन तेरे साथ रहूंगा मगर शस्त्र तो एक भी नहीं उठाऊंगा। मगर अर्जुन आगे बैठा था ना, पीछे की सीट पे देखता था कि कृष्ण बैठा है और उसका हौसला बढ़ जाता था। दुर्योधन क्यों हार गया, उनके पास श्री कृष्ण नहीं थे। अर्जुन क्यों जीत गया, उनके पास श्री कृष्ण थे। गौतम जीत गए, इनके साथ प्रभु वीर थे। गोशालक हार गया क्योंकि वो अकेला था। हम अपने आप को पूछे, इतना अभिमान कभी मत करो। चक्रवर्ती सातवीं नरक में चला गया और भिखारी केवलनाथ पाके मोक्ष में चला गया है। अन्यथा शरणम नास्ति त्वमेव शरणम मम। भगवान चाहे मैं कितनी भी ताकत वाला हूँ, मैं ताकत वाला नहीं हूँ। एक बार अभिमान के तौर से निकल भी तो गया कि भगवान आपकी मुझे कोई जरूरत नहीं है, मैं जहाँ हाथ रखता हूँ सफलता मिलती है। कॉलेज में नंबर एक है मेरा, आई एम हैंडसम, आई एम ब्यूटीफुल, दुनिया की कोई ताकत मुझे रोक सकती नहीं है। मगर कुछ ऐसी स्थिति आ जाती है तब लगता है मर जाऊंगा यदि मेरे पीछे सपोर्ट में कोई नहीं होगा तो। आज इतना ही कहूँगा, जब भी दिक्कत आ जाए, हौसला टूट जाए, मन खत्म हो जाए, कांप रहो अंदर से, मेरा कोई नहीं है। भगवान का इनविजिबल कवर खोल देना, भगवान इतने ही कहते हैं, दोस्त डरना मत, तेरे पीछे की सीट पे ही मैं बैठा हूँ। आज इतना ही। सर्वमंगल मंगलम सर्वकल्याणकारणं प्रधानं सर्वधर्मणां जय हिंद।